असलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी सिव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान पंजाबी कल्चर एंड हेरीटेज खालसा राज फुट स्टैप्स नू लैके अज मैं पहुँचा वहाँ पिंड गंडाकास। गंडाकास अगर तुसी पिंडी तो फतेह जंग आते हो और फतेह जंग तो फिर तुसी पहुँचते हो डरनाल और डरनाल तो अंदर तकरीबन 17 km तो 17 km के फासले के उत्ते तुहानू यह पिंड नज़र आता जिसका नाम है गंडाकास, जिथे आज भी कल्चर एंड हेरीटेज इन्ना करीच है कि जिहड़ा पंजाब दे विच मैं बहुत चीज़ां लभण की कोशिश करना वा मैनू लभ नहीं पांदियां, वह मैनू इस वेले नॉर्थ वैसट पंजाब के अंदर मिलदियां ने। और अपना खूह अपने खूह दियां ताज़ियां ऑरगैनिक सब्जियां देसी तरीके नाल उही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एंशेंट हज़ारा सालों तो चलदा होया आ रहा है। वह चीज़ नूं लैके मैं पहुंचा मैं इत्थे पिंड गंडाकास दे विच। गल जदों भी कल्चर एंड हैरीटेज ऑफ पंजाब की आती है तो उस वेले पाकिस्तान दे विच बहुत ज़्यादा सारे नॉर्थ वैसट के अंदर स्पैशली साडा कल्चर इन्ना रिच है और एंशेंट है कि लोग हले तक अपने उन्हां चीज़ों के नाल जुड़े हुए हैं। थोड़ा जिनी मॉडर्नाइजेशन आ गई है कि जिथे कभी बल्द या दान या कभी बैल होंगे सन वो जगह हुण खोते खोतियां ने लै ली है, लेकिन चीज़ा तो उही ने। बरकप ऑब्जर्वेशन है मेरी कि ये लोग अपनी मिट्टी के नाल जुड़े हुए अज भी इतने बिजली भी मौजूद है मोटर भी मौजूद ने, लेकिन अपने खूह का जो मान है वो अपनी जगह देते है। यह देखो तुसी कुछ लोग मैं कह रहे सन कि तुसी मैं प्रॉपर प्लेस सन दिखा सकते हो जड़े लोग यूरोप तो या दूसरे कंट्रीज तो ने वो कह रहे हैं कि असी पाकिस्तान अगर आईए तो तुसी सानू वगदे खूह दिखा सकते हो। मैं उन्होंने कहा सी जी बिल्कुल हर लिहाज नाल साडा कल्चर एंड हैरीटेज जिहड़ा है काफ़ी हद तक ईस्ट पंजाब तो हले तक असी सामभ के रखिया होया। देखो सी बकायदा तौर के उत्ते मैं तो नहीं कह सकता कि इत्थे लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो भी मैं इस पिंड मैं दिखावगा पुराने सिखा का घर भी दिखावगा तुहानू। और खूह का पानी तुसी देखो बिल्कुल करीब है, हालांकि इस जगह के उत्ते पानी ना पैद हुंदा है। बहुत पिंडी गेब वाला इलाका जिहड़ा सुभाष राबड़ा साहब ने और उस तो बाद थापर साहब ने अपने जिहड़े दोस्त ने उन्होंने इंस्ट्रक्टर्स जिहड़े सन वो इत्थों बिलोंग करते सन इन्हां इलाकों के उत्तों, तो वो समझ सकते हैं कि जिहड़ी मैं गल कह रहा वहाँ कि ये जिहड़े खूह ने ये बहुत एंशेंट ने। तुसीं देखो सैंड स्टोन दे नाल बनाए गए ने, इहदे ते कोई पत्थर की चुनाई हुई हुई है, कोई इट का इस्तेमाल नहीं है या कोई होर चीज़ा इस्तेमाल नहीं की गई, सिर्फ पैरलर पत्थरों नू ला के उही जिहड़ा कि परशियन व्हील वेल जिहड़ा उहदा कॉन्सैप्ट हले तक बाकी है। और इन्हां नू क्यों ज़्यादा लाइक किया जाता है वह भी मैं तुहानू दिखाना वा। यह तुसी देखो असल विच मसला है कि ऑरगैनिक वैजीटेबल्स का ऑरगैनिक वैजीटेबल्स जिहड़ियां ने यानी कि यह तुसी देखो रेडिश मूली देसी मूली जिहड़ी है अपने खूह दी, उस तो बाद है धनिया ए भैन जी देखो धनिया साफ कर रहे हैं और नाल नाल यह गाजरां जिहड़ियां ने पाइया जा रही ने और बिल्कुल विदाउट ऑफ एनी फर्टिलाइजर यानी कि कोई भी नॉन ऑरगैनिक मटीरियल जिहड़ा इन्हां दे विच यूज़ नहीं किया गया। और डेफिनेटली जिहड़ी तुहानू पता है चीज़ा इहो जिहियां होंदियां ने वो बहुत ही हैल्दी होंदियां ने। कॉन्सैप्ट पंजाब पानी और कड़ा ये चीज़ा जिहड़ियां ने साडा कल्चर खास करके नॉर्थ वैसट पंजाब के अंदर जिहड़ा है अज भी बहुत पॉपूलर है। मैं कुछ चरसा पहले मिट्टी के बर्तना बारे फतेह जंग तो एक प्रोग्राम किया सी और कुछ वगदे खूह जड़े सन मैं उस वेले दिखाए सन, तो मैं एक बार फिर लैके आया वहाँ तुहानू अपने वसदे खूह और वगदे खूह जड़े ने पंजाब के वो दिखाने वास्ते। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी और तुसी देख रहे हो पिंड गंडाकास। अगर फतेह जंग तो तुसी डरनाल लाते हो पिंडी गेब के अद रस्ते दे विच ही ये जगह जी है अंदर लैफ्ट साइड से टर्न हो जाती है और 17 km तो बाद आके तुहानू गंडाकास मिल रहा है।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਾਂ ਔਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 1000 ਈਅਰਸ ago ਵਾਲਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀਲ ਵੈਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਖੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਮੇਰੇ ਵਸਦੇ ਖੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ